वार्ड नंबर 5 से भाई बहन जो जैसे या भाई ने बटिया आशीर्वाद दियो बच्चा का आशीर्वाद भी सब कुछ है। जीत पक्की होगी गति बड़कान खुश रखो बस भाई। ए और बरोना की टीम का मैच चलता हुआ बरोना की टीम का रेड पर बहुत ही रेड रिशेप होने वाला है। बरोना वर्सेस भाई ए का मैच आपके बिल्कुल स्टेज के सामने ग्राउंड नंबर 1 पर चालू है। ग्राउंड नंबर 2 पर भी दोनों टीमें पहुंच गई हैं। रेफरी साहब प्लीज थोड़ा जल्दी करवाओ मैच। रेड शेप 1 पॉइंट बरोना के पक्ष में। और बेंटू जैसे या को सम्मानित किया जाएगा। नानू डीएसपी जो अपने सीआरपी में कार्यरत हैं, विशु मकड़ोली का कारण धीर और जितने भी स्टेज पर अपने मान्य व्यक्ति बैठे हैं, दक्षा जयपाल जी, और अपने नाना डीएसपी ने उन्हें सम्मानित किया बिंटू से सैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जीत आपकी पक्की होगी। धन्यवाद भाई साहब। थारा बालक थारा भाई संदीप मेरा नाम है, बंटू के नाम तक पहचान है भाई। मैं जसिया गांव तक हूँ और भाई मैं आप लोगों के बीच का ये थारा भाई हूँ, थारे बंधु हूँ भाई। मैं अपने सारे छोटे बड़े भाइयों तक राम राम और मैं बताना चाहूँगा कि भाई जिस तरह एक छोटी सी पहचान बनाई है कि भाई जिला पार्षद का प्रत्याशी है भाई, जिला पार्षद का प्रत्याशी मैं नहीं, मेरी सोच है और आप लोगों की ताकत है। जो आप अपने समाज में ये टूटते हुए जो देख रहे हो लोगों का हिसाब किताब और भाई अपनी अपनी जो स्वार्थ और अपना अपना गोज भरण का काम, यो काम ठीक नहीं लग गया। जिस तरह देखा हमने समाज सेवा करते करते 7-8 साल जिसे हमने गुजारे हैं, शहीद भगत सिंह ब्रिगेड था मेरे भाई सारे जाना है मैंने अच्छी तरह कि भाई सामाजिक काम में अगर रोहतक में कहीं शहीद भगत सिंह का जिक्र आवे तो थारे भाई का थारे बालक का नाम जरूर आवे कितने कितने। तो हमने ये सारी चीज करते करते देख कर अच्छी तरह जिसी मारे में मदद हुई आली पाली आगे बालक कोई राजनीति नहीं, कोई हमने ना करनी ना हमने को मतलब इन चीजा थे। हमने देखा कि पूंजीपति आदमी कोई भी किसी प्रकार का चुनाव लड़ा है या कोई भी आदमी अपनी निस्वार्थ आदमी अपना चुनाव लड़ा है उसमें दोनों आम फर्क हो जाए,
समाज ना तोड़न वाली बात हो जाए। भाई मेरे कहने का मतलब यो है, अपना जो ये जिला परिषद वाला हिसाब किताब है यो आप लोगों का है, यो जो चुनाव है यो आप लोगों का है, इसमें आपने सत्य की जीत करनी है, निस्वार्थ लोगों का साथ देना है, जो स्वार्थ के लिए अपने उल्लू सीधा करने के लिए सतावाना चाहता है उसको आप लोगों ने बताना है कि भाई समाज बावड़ा कोना रह रहा ना, हमने समाज ने तोड़न दिया, हम करांगे भाई अपने हक का काम, हमने वो आदमी चुनना है, हमने अपना आपा चुनना है, अगर भाई मैं हूँ और मेरी ताकत यह है तो भाई चाहे कोई भी बाहर का है, चाहे गांव का है, चाहे गवांड का है, मेरे वह है यारे प्यारे हैं साथी हैं जो मैं सब तिया कहूँ अपने अपने वार्डा में, नूनी मेरे मेरे वार्डा में सब ने काम करना है, सब ने अपना निस्वार्थ आदमी चुनना है, स्वार्थी आदमी का कोई सौदा नहीं होता ना वो थारे बीच में को काम करे। धन्यवाद। और आप जानते हैं कि आने वाली 9 तारीख को और 12 तारीख को पंचायत इलेक्शन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। तीन रेड बैंक में भाई तीन का रेड करता हुआ और भाई साहब ने मिंटू जैसे यानी 2100 रुपए अपनी नेक कमाई से बच्चों को, बच्चों का खेल देखकर उनके ऊपर अपने 2100 रुपए का दान दिया है। और अपने एक और भाई जो कि वार्ड नंबर 10 से, ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 10 से, गांव से ही डीका दुकानदार आपके बीच पहुंचे हैं, उनका फूल माला और ढोल के साथ ज्यादा स्वागत करें। डीका दुकानदार कद बेशक छोटा है लेकिन दिल बहुत बटाएगा। खाना भी आयो टीका दुकानदार स्टेज की तरफ पहुंचते हुए और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 10 से 22 उम्मीदवार पूंजीपति नहीं सुनी है, अगर सामान ले जाना है पीछे नहीं मांगता उधर है। अरे इब्दा इलेक्शन चल रहा है, बड़का ही झोली भर के जाइए, ध्यान दे लिया और आधा ही ठंडे कितने पहले, लेकिन बड़का ही खेल मुकम रहनी चाहिए। अरे मेरे हिसाब से तो भाई सारी मदद करेगा बड़का ही।
फर्स्ट राउंड खत्म हो गया भाई, सेकंड राउंड के मैच होंगे। स्टेज के आगे जो भी है ना भाई पीछे हो जाओ। और डॉक्टर साहब कई देर के बाद आए हैं, इनके विचार सुनो। देखिएगा दोस्तों, सुबह से आप लोगों के बीच कोई भी व्यक्ति कहीं से आता, हमारा मैच ये फर्ज होता है नैतिक तौर से उसका जोरदार ताले से स्वागत करें। बाकी हार जीत जिंदगी में चलती रहती है दोस्तों, दो पहलू होते हैं हार जीत के। इंसान हर कदम पर हार जीत की तरफ चलता है, लेकिन कोई कोई पहचानता भाई कौन सा कदम हार की तरफ है, कौन सा जीत की तरफ है। हर लम्हा हर पल हम हार जीत से गुजरते हैं, लेकिन कोई कोई कायदे वाला इंसान इस चीज को भाप पाता है। इसलिए भाई टीका बार बार बधाई के पात्र है। और सुबह से आप लोगों का बढ़ता हुआ सहयोग, तमाम गांव की 36 बिरादरी इकलास के साथ कीमती समय निकाल कर मकड़ोली जैसी पांव धरा पर सुबह से सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबका बार बार मंच की तरफ से स्वागत किया जाता है। बरौना टीम का रेड रेड करते हुए लोकेश गुजर जाता, वक्त रह जाती है परछाइयां, जख्म भर जाता, छोड़ जाता है निशानियां। जब मैंने लौट कर देखा तो शाम हो चुकी थी, चांद सामने था, रोशनी कम हो चुकी थी। ईश्वर ने कतरा है दरिया में फना हो जाना, ईश्वर ने कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। हिंदी में इसका बताऊंगा बड़ा गहरा अर्थ है। जिस तरह खड़े में रुका हुआ पानी बहते हुए पानी में विलीन हो जाना, मिल जाना, अपने आप को भाग्यशाली समझता है, ऐसे ही जब इंसान मौत के दरवाजे की तरफ पलटता है, तमाम दवा नाकाम हो जाती है, तो उसका दर्द उसकी दवा बन जाता, मौत बन जाता है, सबब बन जाता है। ध्यान से सुने पावड़ा भाई, ध्यान से सुने। पावड़ा जिला हिसार 13 तारीख को नेशनल कबड्डी का बहुत ही अच्छा आयोजन होने जा रहा है, बहुत अच्छी इनामत होंगी और खिलाड़ियों के लिए भी अलग से सुविधा दी जाएंगी। इसलिए सभी से विनती की जाती है, पावड़ा गांव में पहुंचे, बड़ा आदर सम्मान मिलेगा, बड़ी तवज्जो मिलेगी, पूरी प्राथमिकता मिलेगी, अच्छा इनामत है और आने जाने का किराया भी दिया जाएगा भाई। शुक्रिया, धन्यवाद। और अब लड़ जाइए खेल की दुनिया में। करोना विनर